नमस्कार दोस्तों, आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो मैच खेला गया था उस मैच में स्टीव स्मिथ की इस गलती की वजह से आरसीबी के हाथों राजस्थान को मिली है 8 विकेट से हार। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2020 का 15वां मैच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इस मुकाबले को अपने शानदार प्रदर्शन के चलते आरसीबी की टीम ने 8 विकेट के अंतर से जीत लिया है और इस मैच को जीतने के साथ ही आरसीबी की टीम ने पॉइंट्स टेबल में 2 महत्वपूर्ण अंक अर्जित कर लिए है। इस मैच का टॉस राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की शुरुआत अच्छी थी। स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर ने 2.3 ओवर में ही 27 रन जोड़ लिए थे, लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ के आउट होते ही राजस्थान रॉयल्स की पारी लड़खड़ाने लगी थी। 114 रन के भीतर एक समय राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अंत के कुछ ओवर में राहुल तेवटिया और जोफ्रा आर्चर ने अच्छे शॉट लगाए और नाबाद 40 रनों की एक अच्छी साझेदारी की थी। इस साझेदारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाने में कामयाब हो गई थी। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा 39 गेंदों में 47 रन महिपाल लोमरो ने बनाए थे, वहीं टीम के लिए 12 गेंदों में 24 रन राहुल तेवटिया ने बनाए और आरसीबी के युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में मात्र 24 रन खर्च करते हुए 3 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। ओपनर बल्लेबाज एरन फिंच 4 रन के टीम के मात्र 26 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल ने 2 विकेट के लिए 99 रन की एक बेहतरीन साझेदारी की। इस साझेदारी ने आरसीबी की जीत पक्की कर दी थी। इस साझेदारी के दम पर आरसीबी ने 155 रन का यह लक्ष्य 19.2 ओवर में 8 विकेट रहते ही हासिल कर लिया था। आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा 52 गेंदों पर 71 रन की पारी कप्तान विराट कोहली ने खेली, वही टीम के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 45 गेंदों पर 63 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने इस मैच में प्लेइंग 11 का चयन सही नहीं किया था। उन्होंने पिछले 3 मैचों में फ्लॉप रहे रॉबिन उथप्पा को प्लेइंग 11 में एक बार फिर जगह दे दी और उथप्पा ने 22 गेंदों में 17 रन बनाए थे। अगर स्मिथ उथप्पा की जगह यशस्वी जायसवाल या मनन वोहरा जैसे खिलाड़ी को जगह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। स्मिथ का यही फैसला कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की हार का कारण बना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी आईपीएल की खबरें लेकर आता रहता हूँ।